नमस्कार, एटी न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं यशमी, बात करेंगे आज तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। वार्ष्णेय कॉलेज के छात्रों ने आज एग्जाम के दिन किया बहिष्कार, मांगे पूरी करने के लिए उठाई आवाज। अधिकारियों ने पहुंच आगरा वीसी से की वार्ता, छात्रों की मांगों को किया गया पूर्ण। पलवन रोड स्थित बाइक सवार गर्भवती महिला दंपति को पीछे से कंटेनर ने मारी टक्कर, गर्भवती महिला आई टायर के बीच हुई गंभीर रूप से घायल। झगड़े में बीच बजाव करना मोमोज विक्रेता को पड़ा भारी, गुस्साए पक्ष के बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोली, किया घायल। मुंबई टू आगरा फिल्म को मीनाक्षी हॉल में किया गया प्रदर्शित, फिल्म के पहले शो का एडीएम अमित कुमार भट्ट ने फीता कार्ड किया शुभारंभ। अब जाने की खबरों को विस्तार से। अलीगढ़ के वार्षिक विश्वविद्यालय के एलएलबी द्वितीय वर्ष के 175 छात्र छात्राएं पुनः परीक्षा में फेल हो गए थे, जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। ज्ञात हो बीते दिन भी वार्षिक कॉलेज के एक छात्र ने फेल होने के कारण खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया था, जिसकी खबर भी एटी न्यूज चैनल में प्रसारित की गई थी। वहीं आज से शुरू हो रही परीक्षा को लेकर सभी छात्र छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा का समय 2 घंटे की जगह 3 घंटे किया जाए और परीक्षा में दिए गए प्रश्न 80 की जगह 50 किए जाएं। साथ ही कहा कि एलएलबी में फेल हुए 175 सभी छात्र छात्राओं को री एग्जाम दिलाया जाए। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही आला अधिकारी के साथ पुलिस बल भी पहुंच गया। वहीं पुलिस ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद पहुंचे एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने और सीओ विशाल चौधरी ने छात्रों को समझाया और उनकी मांगों के लिए एडीएम सिटी ने आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की, जिसके बाद कुलपति ने छात्रों की दोनों मांगों को मान लिया और आश्वासन दिया और परीक्षा के 2 घंटे की जगह 3 घंटे निर्धारित कर दिए गए। साथ ही परीक्षा में फेल हुए सभी छात्रों को री एग्जाम दिलाने की भी बात कही। वहीं कुलपति द्वारा छात्रों के हित में निर्णय लेने पर छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए और सभी छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी कक्षा में जाकर परीक्षा देना सुचारू कर दिया। परीक्षा का बहिष्कार कराया गया था, क्या है पूरा? देखिए, परीक्षा का बहिष्कार कराया गया था, जिसमें प्रमुख मांग ये थी कि जो दो घंटे का समय है उसे 3 घंटे किया जाए या 80 की जगह 50 किए जाएं। तो इस तरह से उन्होंने, विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारी ये मांग को मानते हुए 2 घंटे की जगह 3 घंटे समय कर दिया है। और दूसरा विषय ये था कि हमें पुनः परीक्षा में री दिलाई जाए, तो उसका भी एडीएम सिटी द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आपकी री में री दिलाई जाएगी और उसका नोटिस अभी आधे घंटे में आ रहा है। और हमने उसके बाद छात्रों से बात की, छात्रों की जो मांग थी वो पूरी हो गई। उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन अपना ख़त्म कर दिया है और जो बहिष्कार हुआ था, जितना घंटा बर्बाद हुआ था, वो भी समय विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक्स्ट्रा इन परीक्षाओं के लिए दिया जाएगा। लगभग कितने घंटा परीक्षा प्रभावित रही? हमारे 11 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, जबकि छात्र एकत्र होकर 10 बजे से ही उस गेट पर बैठ गया। उसके बाद 1.5 घंटे लगभग आंदोलन चला। उसके बाद एडीएम सिटी तमाम फोर्स के बाद एडीएम सिटी की वार्ता विश्वविद्यालय वीसी से हुई। वीसी ने आश्वासन दिया और 2 घंटे की जगह 3 घंटे बढ़ाए गए और री का अभी लेटर आने वाला है, इसलिए हमने छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा जाने दी। प्रदर्शन था और आज एलएलबी का पेपर लीक हुआ है, कुछ क्या मांगा था? छात्रों की कुछ समस्याएं थीं, शायद जो रिजल्ट आया था, अभी जैसे मैं अखबारों में ही पढ़ रहा था कि सारे बच्चे फेल हो गए हैं एसवी कॉलेज के, तो वहाँ की कुछ समस्या थी। तो अब बच्चे परीक्षा बहिष्कार कर रहे थे कि साहब हमें समय नहीं मिला है, और जो पैटर्न है परीक्षा का वो बदल दिया गया है, क्योंकि अब तक 50 क्वेश्चन आते थे और अब 80 कर दिए गए हैं। तो वीसी महोदया से इस बारे में बात हुई है, एडीएम सिटी साहब की, वीसी महोदया जी ने क्वेश्चन तो कम नहीं किए लेकिन टाइम परीक्षा का बढ़ा दिया है और बच्चे परीक्षा देने चले गए। छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको टाइम बढ़ा दे? हाँ, टाइम बढ़ाने कह दिए वीसी महोदया ने, तो टाइम उनको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। ठीक। खैर, कोतवाली क्षेत्र के अलीगढ़ पलवर रोड स्थित अलीगढ़ से आ रहे बाइक सवार दंपति को पीछे से आ रहे कंटेनर चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया है कि इस दौरान बाइक सवार दूर जाकर गिर गया और गर्भवती महिला गिरकर कंटेनर के टायर के बीच में आ गई। ये देख वहां खड़े राहगीरों ने शोर मचा दिया और कंटेनर चालक को रोक दिया। कंटेनर के टायरों के बीच में आई गर्भवती महिला को आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से टायर में फंसी गर्भवती महिला को बाहर निकाला। लोगों ने गर्भवती महिला को टायरों के बीच में देखा तो भगवान का करिश्मा कहा, जिसके कारण ही उसकी जान बच पाई। वहीं गर्भवती महिला दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने आनन फानन में खैर समुदाय अस्पताल में महिला को भर्ती कराया।
जहां उसका उपचार जारी है। वहीं लोगों द्वारा कंटेनर चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अलीगढ़ के महानगर बन्ना देवी क्षेत्र के बरोला में बीती रात दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसका बीच बचाव करना मोमोज विक्रेता को भारी पड़ गया। बता दें, मोमोज विक्रेता अपनी दुकान से बाइक पर सवार होकर जा ही रहा था कि रास्ते में परचून की दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए रुक गया। वहां देखा कि दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो रहा था, जिसमें कुछ लोग उसके पहचान के थे, तो वह बीच बचाव करने पहुंच गया। बस फिर क्या था, दूसरे पक्ष के लोगों को इसका बीच बचाव करना ना भाया और बाइक पर सवार आरोपितों ने युवक से मारपीट कर दी और गाली गलौज करते हुए गोली मारकर फरार हो गए। आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का जायजा लिया और घायल को जैन मेडिकल में भर्ती कराया। जी, मेरा नाम मनेन सिंह। कहाँ पे रहने वाले? जी, नगला बरोला अलीगढ़ थाना बन्ना देवी। ये कैसे घायल हुआ? सर कुछ नहीं, मैं शाम को अपनी दुकान बढ़ा के मोमोज की दुकान लगाता हूँ बरोला चौड़ाई पे, बढ़ा के गया था। केवल घर से बाहर निकला तो दो लोग लड़ रहे थे, केवल बीच विचार किया मैंने। उन्हें बीच विचार करने में ये दिक्कत हुई कि वो मतलब कुछ लोग बुरा मान गए, बीच विचार करना बचाना ही बस केवल, उस वजह से कोई नहीं। मैं अपने घर पे आया, घर पे खड़ा हुआ था और मेरे भाई भी, माँ भी, मतलब मेरे पूरे परिवार घर पे खड़ा हुआ था। वो पता नहीं पूरी फैमिली थी मेरी, और वो पता नहीं कहाँ से आए दो लोग ब्लड पे, उन्होंने फायर मारा तो ये फायर मेरे यहाँ से निकल गया, दूसरा मारा तो मेरे छोटे भाई की उंगलियों में भी लगा, वो हवा में मारा था उन्होंने। अच्छा, भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम दीपक है। तो ये कौन लोग थे, जानते आप किसी को? नहीं, मैं मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैं इतना रहता नहीं हूँ। मेरे भाई जानते हैं कि हाँ वो इनके नज़र में है, पास के ही है, ज़्यादा दूर के तो कोई है नहीं, वो अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें। दीपक कुमार। घटना ये थी, दो बदमाश बाइक पे आए और फायर वगैरह करके गए थे। वो पास के ही थे वो रहने वाले अन्ना और एक और नाम पता नहीं है मेरे से। नहीं, कोई नहीं, आपस में ऐसे ही गली में लड़ाई हो रही थी, उसमें बीच बचाए में भैया ने बीच बचाव कर दिया, उनके फायर वगैरह करके चले गए, मारपीट करके। फिर फायर दो लोग, एक भैया हैं बड़े, उनके फायर जांग पे फायर लग के गया है। क्या नाम है उनका? मनेंद्र सिंह। कहाँ की घटना है? ये नंगला बमोला। कितने राउंड फायरिंग हुई? दो राउंड। मारने वाले काय पे? बाइक सवार जी। थाना बन्ना देवी के बरौला क्षेत्र से दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है तथा तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित की जा रही है। शुक्रवार को रिलीज हुई मुंबई टू आगरा फिल्म को देखने के लिए मीनाक्षी हॉल में लोग पहुंचे। वहीं फिल्म के पहले शो की रिलीजिंग सेरेमनी का एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने फीता कार्ड उसका शुभारंभ किया। वहीं निर्माता पंकज धीरज ने बताया कि फिल्म का निर्माण IAS के एंटरटेनमेंट द्वारा DMG फिल्म प्रोडक्शन और सुनैन फिल्म एंटरटेनमेंट के सहयोग से किया गया है। बताया कि फिल्म में लीड रोल हीरो सुजैल खान ने भरपूर किरदार निभाया है। फिल्म में निर्माता और लीड हीरो सुजैल खान ने बताया कि गदर 2 के बाद सिने जगत की रियल लाइफ पर बनी ये फिल्म धमाल मचा रही है। बताया कि रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्वों के दौरान लगी ये फिल्म सबको बेहद पसंद आएगी। देखिए, हम लोग पिछले इस फिल्म लाइन में पिछले करीब एक दशक से जुड़े हुए हैं और शुरुआत के दौर में लगता ये था कि अलीगढ़ जैसी छोटी जगह के कलाकार मुंबई में कैसे काम कर पाएंगे, आगरा जैसी छोटी जगह के कलाकार कैसे काम कर पाएंगे। लेकिन हमने एक प्रयास करा यहाँ से, अलीगढ़ से, अलीगढ़ को हॉलीवुड के रूप में देखते हुए यहाँ की, क्योंकि बहुत सारी हस्तियाँ अलीगढ़ से निकली हुई है, चाहे रविंद्र जी सही, चाहे भारत भूषण जी हमारे एक्टर सही, बहुत सारी स्थिति ऐसी हमने प्रयास करा। तो आज आपने इस पिक्चर में देखा, जैसा आपने सीन पिक्चर में देखा हुआ, कि बहुत बड़े बड़े कलाकार जो अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कर चुके हैं, बहुत सारे हैं, अली हैदर साहब हैं, बहुत सारे काम कर चुके हैं हम लोग, अलीगढ़ के कई लोग आपने इसमें देखे। तो प्रयास ये आने वाले समय में हम अलीगढ़ को पूरी तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं कि कहीं और शूटिंग के लिए जाना ना पड़े। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जगह की अधिक से अधिक शूटिंग हो, और हमने प्रयास ये इस तरह कार्य किया। अलीगढ़
अलीगढ़ का जो आगरा का घाघरा गाना है वो बहुत ही फेमस हुआ है ये गाना, और इस फेमस को बहुत ही वर्ल्ड टूर ऑडियंस ने मतलब देखा गया है। तो अभी ये इस बार OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, बहुत जल्दी पिक्चर है जहाँ चलने के बाद। बहुत खुशी है कि आज बहुत अच्छी भीड़ हमें यहाँ देखने को मिली। आज हॉल जो हमारा पूरा हाउसफुल की तरह ही था। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आया इस पिक्चर का आनंद लिया, सामाजिक लोगों ने भी आनंद लिया। जी मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं वो अधिकतर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसमें कुछ कलाकार आगरा के हैं और कुछ कलाकार अलीगढ़ के हैं, और इस समय जो कलाकार खड़े हुए हैं सभी अलीगढ़ के कलाकार हैं हमारे, जो कि इस फिल्म पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं। और इस फिल्म का नाम है मुंबई टू आगरा, यानी कि इसमें इस प्रकार की कहानी बताई गई कि एक स्ट्रगल मुंबई की एक आस लेके पहुँचता है, एक कहानी लेके पहुँचता है कि उसको कुछ बनना है, और उस उद्देश्य से वो मुंबई की तरफ रुख करता है, और उसको किस किस परेशानियों का सामना होता है, वो परेशानियां इस फिल्म में दिखाई गई है, और किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है वो चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है। सरकार द्वारा यह नीति बनाई जा रही है कि जो स्थानीय कलाकार हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, स्थानीय स्तर पर फिल्मों का विकास हो। तो उसी के क्रम में हम अपने हमारे स्थानीय अलीगढ़ के कलाकारों द्वारा जो है इसमें सहभागिता की गई, हम लोग आगे पिक्चर का उद्घाटन में आप छः सिनेमा हॉल यहाँ पर, और अलीगढ़ की समस्त जनता से अपील है कि इसमें हमारे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा इस मूवी में अपना किरदार अदा किया गया है, और उनको उनको सराहना उनका मनोबल बढ़ाया जाए ताकि और भी लोग ऐसे निखर कर आए। ऐसा कुछ भी है अलीगढ़ की कोई सभ्यता के बारे में भी इसमें बताया गया है कि नहीं? यह मूवी मनोरंजन के लिए है, तो यहाँ के स्थानों को दिखाया गया है, यहाँ के रहन सहन का तरीका दिखाया गया है, और हमारी सरकार की मंशा भी है। देखें फिल्म सिटी भी बन रही है नोएडा में, कि हमारे जो ऐसे छोटे शहर हैं इस तरह की चीज़ों को हम अपने प्रदेश में बढ़ावा मिले, उसी का ये हिस्सा। ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए AP News India, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।